कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बेरोजगारी ने हमारे राज्य को पिछले 5 सालों से सर्वाधिक बेरोजगारी संख्या वाला राज्य बना दिया है। एक समय था जो बेरोजगारों की वृद्धि दर 1.5% के आसपास थी, आज वह 30% पर पहुंच चुकी है। जिस देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्म फोर्सेस में 2 लाख पद रिक्त हों, वहां केंद्र सरकार भर्ती ना निकालकर जनता को जानबूझ के मार रही है। उन्होंने मोदी जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदी जी की योजना है कि जो राज्य में 28,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने समय समय पर जो आंकड़े दिए हैं वे बहुत भ्रामक हैं। कोई 10 लाख के पार बताता है और कोई 8 लाख के आंकड़े बता रहा है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार सेक्टर वाइज बताए कि उनके कार्यालय में आंकड़ा क्या रहा है। इस भ्रामक स्थिति से साफ है कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो 18,000 पद सृजित किए थे वे कहां गए। साथ ही उन्होंने जितने अतिथि शिक्षक भरे थे उनमें से आधे से ज्यादा भाजपा सरकार ने निकाल दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार बेरोजगार विरोधी है तथा सामाजिक तनाव पैदा करने का काम कर रही है। राज्य की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार ने जो हालात पैदा कर दिए हैं उससे उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इस समय हालात जो हैं वे बद से बदतर हैं। जिला योजना में जो पैसा दिया गया था वह सरकार ने खर्च दिखा दिया। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि वह राजस्व, बेरोजगारी एवं अर्थव्यवस्था पर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।